Go. Go. Doggone, you come down. I doorkeeper. I thought you were the driver. मैं रबर भी निकालता हूँ. रबर भी निकालते हो? चलिए. तुम कितने सारे काम करते हो? तुम और कितने काम करते हो? क्या करे साहब, यहाँ का हर काम मुझे ही करना पड़ता है. और तनख्वाह क्या मिलती है? अब क्या बताए साहब. मैं समझ गया, ये मालिक लोग सब चोर होते हैं, अपने वर्कर्स को निचोड़ लेते हैं. सुनो, तुम चाहो तो बम्बई आ जाओ, तुम्हें 300-400 रुपए तो आराम से मिल ही जाएंगे. वैसे दुबई में भी 4-5 हजार रुपए मिल सकता है, लेकिन अपना देश तो अपना ही देश है ना. अच्छा अच्छा, सुनो, यहाँ आसपास कोई होटल है सस्ता सा जहाँ हम एक रात ठहर सके? मैं बहुत थक गया हूँ. मालिक सब जानता है, उनसे मिलो. ठीक है, और तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने की भी सिफारिश करेंगे. तुम हिंदी काफी अच्छी बोल लेते हो, कहाँ से सीखी? ये भी मालिक बताएगा साहब. मालिक मालिक मालिक, लगता तुम अपने मालिक से बहुत डरते हो. तुम यहाँ ठहरो, मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूँ, हम तीनों मिलकर तुम्हारे मालिक को सही करते हैं. बहुत मेहरबानी सर. वाओ, यू वेट हियर, मैं मालिक को बुलाता हूँ. अब ये मत कहना कि तुम बटलर भी हो. बटलर? यस यस आई एम. इसके मालिक का मकान तो देखो, जितना अमीर उतना खड़ूस. वेट 1 मिनट सर, मास्टर कमिंग. सूर्या, कैसा चक्कर चला दिया तूने? ये लोग तो ऐसे रहते हैं जैसे बॉम्बे के फिल्म स्टार्स. सर, मालिक तैयार होता अभी आता. टी कॉफी वांडी? हाँ यस. नो, अब क्या करें? 10 मिनट और रुकते हैं फिर चलते हैं. सभी मालिक ऐसे ही होते हैं, अब अगर बिना कहे चले गए तो ये लोग समझेंगे कि हम कुछ उड़ा ले गए. वैसे भी उड़ाने लायक बहुत सारी चीजें हैं यहाँ. चुप, मालिक तो मालिक, नौकर भी गायब. कम से कम कॉफी तो पिला देता. हेलो बॉयज. तो तुम मालिक हो? ये एस्टेट, ये सब कुछ तुम्हारा, आपका है? जी. तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? आई लाइक टू कमेंट्स अबाउट पीपल एंड प्लेसेस, उन मीठी बातों का मजा निकल जाता. अच्छा, अब मैं मालिक लेता हूँ ना. ओके. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവോ? അതെ, ഉണ്ണി മായ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി വന്നിട്ടുണ്ടേ. എന്താ കുട്ടിക്ക് പറയാനുള്ളത്? ഡബിള് അവിടെയും കണ്ടു, ഇവിടെയും കണ്ടു.